हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इवनिंग बोलने की आदत हो गई क्योंकि इवनिंग में ज़्यादा क्लास होती है। चलिए देखिए, यहाँ पर अपन ने कल कुछ क्वेश्चंस लिए थे, लेट अस सॉल्व देम। मैंने आपको दिया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/3। अच्छा, मैंने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस जो है वो रिव्यू पे डाल दिए तो करेक्ट हो जाएंगे। उसमें से दो क्वेश्चंस सच में गलत थे, मतलब उनके आंसर्स में दिक्कत थी, तो हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कमिंग बैक टू दिस, साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/3, ये सब आपने सॉल्व किया होगा। 13π/3 को आप 4π+π/3 लिख सकते हो। साइन ऑफ 4π+θ हो जाएगा फिर से साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है -π/2 to π/2। देखिए, सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको याद होना चाहिए। मतलब कि ये जो फंक्शन है दोबारा एक्स के बराबर कब होगा वो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। बाकी कुछ याद हो या ना हो, इतना तो पता होना चाहिए कि -90 से 90 अगर अपन ने इसके अंदर डाला तब जाके वो आपको सेम आउटपुट देगा जो कि इनपुट था, जैसा ही इनपुट था। तो अभी यहाँ पर जो इनपुट है वो 60 डिग्री, जो कि -90 से 90 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली 5/3 आ जाएगा या 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपन 25π/4 लिखा है, इसको अपन 65π/4 लिख सकते हैं, विच विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, है ना। साइन ऑफ 6π+θ साइन थीटा अगेन फिर से 45 डिग्री, मतलब -90 से +90 के बीच में। तो आपका इनपुट और आउटपुट अब बराबर हो जाएगा। मतलब आप, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल मत घबराओ। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन रिडक्शन फार्मूला लगाओ। रिडक्शन फार्मूला समझते हो ना, वो साइन ऑफ 180+θ, साइन ऑफ 360+θ, वो वाले, वो रिडक्शन फार्मूला लगाइए, आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। 19π/4 देखते हैं यहाँ पे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5π-π/4। तो 5π क्या होता है बेटा, ऑड पाई होता है, ये होता है ऑड पाई। ऑड पाई -π/4 करोगे तो अपन कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड पे साइन पॉजिटिव होता है अगेन, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, sin π/4। साइन इनवर्स ऑफ sin π/4, इनपुट जो है आपका फिर से आ गया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर, मतलब -90 से +90 के बीच में आ रहा है, फोर्थ और सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, बेसिकली। तो योर आंसर विल बी साइन ऑफ पाई, नो 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 सॉरी, आंसर विल बी सिंपली π/4। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 37π/4। 37π/4 में देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले इसको आप 9π+π/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब 9π कौन सा, ये वाला लाइन होता है ना, ये वाली लाइन 9π। 9π+θ आ जाएगा नीचे, तो माइनस आएगा इस बार, है ना, -sin θ। तो दिख रहा है यहाँ पे मैंने माइनस लगाया भी, -sin π/4। अब हमें इतना तो पता है यार कि साइन इनवर्स जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, वो माइनस को बाहर निकाल लेगा, साइन इनवर्स। लेकिन अगर आपको अभी नहीं पता है या भूल गए हो, क्योंकि मैंने बताया था, बट अगर अपन को ध्यान नहीं है तो व्हाट वी कैन डू, sin π/4 का वैल्यू डाल देंगे 1/√2, और एक माइनस साइन चिपका हुआ है पहले से। ऐसे सॉल्व करने में कोई नुकसान नहीं है ना, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब मेरे को बताइए 1/√2 माइनस का, इसका साइन इनवर्स क्या होगा, -π/4। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा तरीका कि ये जो माइनस साइन है इसको आप साइन के अंदर घुसा दो ना, फिर से क्या दिक्कत है, साइन के अंदर घुसा दो। साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/4 विल बी -π/4 अगेन। गेटिंग द पॉइंट। चलिए 17π/3 को 6π-π/3 का फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, फिर से माइनस को आप क्या कर सकते हो, ये माइनस को अंदर घुसा दोगे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3 विल बी -π/3 अगेन। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3, दिस विल बी -π/3 अगेन, इज दैट ओके। चलिए, ये तो बड़ा आसान है। ऊपर वाले को भी आप सेम कर सकते थे, लेकिन मैंने ऊपर वैल्यू रखना उचित समझा, ऐसा कोई कुछ नहीं यार, है ना, देयर इज नो रूल ऑफ थंब, आपका जो मन करे वो करो। यू शुड बी लॉजिकली क्लियर कि करना क्या है। कमिंग टू द ये वाले क्वेश्चन है ना, एक बार इनको देख लेते हैं अपन। तो ये सारे जितने भी आंसर है उनको मैं हटा देता हूँ अभी। नाउ ट्राई टू सॉल्व देम। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, देखिए ये सबसे कठिन क्वेश्चन होता है, सबसे कठिन क्वेश्चन है ना। जनरली इसमें बच्चों को दिक्कत कब जाती है पता है, मैंने स्कूल स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। व्हेन आई मीन टू से स्कूल स्टूडेंट्स, जो बोर्ड्स की तैयारी करते हैं ना, वो लोग काफी स्ट्रगल करते हैं इसमें, और बोर्ड एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाती है। ठीक है, सो आप ऐसा मत सोचो कि ये चीज हम छोड़ देंगे। अगर बोर्ड एग्जाम ने पूछ लिया तो आप मेरे पास मत आना, क्योंकि आरडी शर्मा में गिवन है, बोर्ड एग्जाम सरप्राइज कर रहा है अपने को, तो हो सकता है कि पूछ ले, क्या कर लोगे आप। तो आसान है काफी, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी है कि अगर अगर इनपुट -90 से +90, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में हुआ, -π/2 से +π/2 के बीच में हुआ, तो इनपुट और आउटपुट सेम आ जाएगा।
नहीं आया समझ में, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो हर कोई। अगर इनपुट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में हो, इनपुट अगर इस रेंज में आया तो आउटपुट और इनपुट सेम हो जाएंगे, अदरवाइज वी विल सी क्या करना है। ओके अब हमने देखा कि ये जो इनपुट है आपका वन, क्या जो वन है इस माइनस 1.57 और प्लस 1.57 के बीच में आ रहा है? यस बिल्कुल आ रहा है, माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में ये आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर बड़े अच्छे से बना जाएगा, खत्म। लेकिन इसका आंसर आप 2, 3, 4, 5 ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। बहुत सारे लोगों को लगता है साइन इनवर्स साइन 2 2 होता है, साइन इनवर्स साइन 3 3 होता है। अरे बहुत सारे लोग लिख देते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको 3 लिख देते हैं एंड दे थिंक ये करेक्ट है। ऐसा नहीं है ना, गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसका साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता ही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। नहीं नहीं कुछ नया नहीं पढ़ाया, वही वाली चीज कंटिन्यू हुई है, डोंट वरी डोंट वरी। ओके मैं बस आपको ऊपर वाले क्वेश्चन ही करा रहा था, ऊपर वाले तो खैर बहुत ईजी है ना, हो जाएंगे। नीचे वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े अच्छे, ये ज्यादा ट्रिकी है, मेन पार्ट है ना। तो आप लेट तो हो गए, लेकिन मूवी में लेट होते तो कभी कभार क्या होता है, एड वैड छूट जाता है ना, मुकेश वाला, तो आपके साथ वैसा हो गया समझ लो, और स्टार्टिंग की थोड़ी सी स्टोरी छूट गई। आगे देखते साइन इनवर्स ऑफ साइन टू, इसको समझते। अगर आप ग्राफ से करते हो, ग्राफ से तो है ना, ग्राफ से तो बड़ा आसान से हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए टू कहां पर आएगा बेटे, टू आएगा यहां पर, क्योंकि 1.57 से बड़ा और 3.14 से छोटा, लगभग यहीं कहीं आएगा। कौन सी ब्रांच पकड़ेगा टू, ये वाली, मतलब कौन सा रूल, पाई माइनस एक्स का रूल, मतलब पाई माइनस इनपुट, वॉट एवर द इनपुट इज पाई माइनस दैट। तो पाई माइनस इनपुट, आंसर पाई माइनस टू हो गया, खत्म। लेकिन यार सर आप एक बात बताओ कि ग्राफ हमें याद नहीं रहा तो क्या करें, ग्राफ याद नहीं रहा तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, वो ट्रिक ध्यान से सुन लो, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है कि आपका आंसर जो है ना, वो आंसर आपको इस रेंज में लाना है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की रेंज में लाना है। आपका आंसर माइनस 1.57 से प्लस 1.57 की रेंज में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती लाओ, कैसे लाओगे? अभी ग्राफ से तो अपना आंसर आया, लेकिन अभी बिना उसके कैसे लाएंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, पे अटेंशन बेटा, इधर देखो। हाँ तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, वी विल यूज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, और नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई अपन जो यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करना है कि अगर अपन ने ये नंबर जो है टू, पहले अपना आंसर क्या अपने को लग रहा था कि टू आना चाहिए, बट वो टू जो है रेंज से बाहर है, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो 1.57 तक ही होता है, इससे आगे जा ही नहीं सकता वो। तो हमारा आंसर टू अगर होता तो वो गलत होता। तो वॉट वी विल यूज, टू के सबसे पास में पाई का कौन सा मल्टीपल नियरेस्ट है। व्हाट आई मीन टू से इज कि पाई के मल्टीपल होते 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। अब इनमें से सबसे पास या नजदीक, 2 के नजदीक कौन है, 1 पाई है, क्योंकि वो उसका वैल्यू 3.14 होता है। तो हमें ना क्या यूज करेंगे, 1 पाई यूज करेंगे, और उसको इस तरह से यूज करना है ताकि ताकि जो आपका फाइनल आंसर है ना वो ये वाले माइनस 1.57 से प्लस 1.57 वाली रेंज में आ जाए। आया क्या समझ में, आई होप आ गया होगा। देखिए तो हमने पाई बाई टू यूज करा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू, पाई माइनस टू क्या होता है 3.14 माइनस टू, दिस विल बी रफली 1.14। क्या 1.14 इस रेंज में फॉल करता है, बिल्कुल करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, खत्म, इतना आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखते, अभी सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, खत्म तो हो गया लेकिन कंफ्यूजन अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ बच्चे आके मेरे को क्या बोलते हैं कि सर आपने पाई माइनस टू यूज करा है, आप ग्राफ देखो सर। मैंने ग्राफ देखा, ग्राफ में क्या होता है, पाई माइनस एक्स यूज हो रहा है, मतलब इस बार पाई जो है वो पहले है और एक्स बाद में है, समझो इस चीज को आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इधर एक्स बाद में है, पाई पहले। यहां पर देखो ये वाली ब्रांच में ना एक्स पहले आ गया, तो कभी कभी एक्स बाद में आ रहा है, कभी कभी एक्स पहले आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कब एक्स बाद में आएगा और कब एक्स पहले आएगा? हाँ हमें कोई सपना आ रहा है क्या कि कब एक्स बाद में आएगा और कब एक्स पहले आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्स बाद में आ गया, फिर यहाँ पर एक्स पहले आ गया, तो सर ये तो दुविधा हो गई हमारे साथ। मैं आपकी दुविधा को सॉल्व करता हूँ, देखिएगा इधर देखो, एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने सिर्फ ग्राफ से देखा, ये ट्रिक जो है
पता नहीं क्यों नहीं मेंशनड होती बुक्स में, होनी चाहिए क्योंकि सिंपल ऑब्जर्वेशन है। आप देखो एक्स बाद में है यहाँ पे और यहां पर एक्स पहले है, और आगे अगर मैं लाइन खींचता, अगर मैं आगे लाइन बनाता तो है ना ऐसी लाइन बनती, उसकी इक्वेशन क्या हो जाती, पॉइंट माइनस एक्स, मतलब थ्री पाई होती ना अगले पॉइंट। अरे यार ये टू पाई तो अगला पॉइंट थ्री पाई होता, तो थ्री पाई माइनस एक्स होता, तो इसमें फिर एक्स बाद में चला गया। कोई भी बच्चा अपना ऑब्जर्वेशन यूज करके मेरे को बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर एक्स बाद में आ गया? तो कैसे पता करेंगे अपन कि एक्स बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, कैसे पता करेंगे? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे थे। आवाज आपकी आ नहीं रही अभी। नेगेटिव स्लोप पे बाद में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, नेगेटिव स्लोप पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन ना अपने को ग्राफ नहीं आता है। मान लो ग्राफ हमें नहीं आता है, हम बहुत गरीब है, तो आप कैसे बिना ग्राफ के आप कैसे पता करेंगे? मैं आपको बताऊं एक तरीका, सिंपल तरीका है बहुत। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा है तो यू आर फ्री टू से। पाई का कोएफिशिएंट वहां पे ऑड है तब वो बाद में आ रहा है। ओह एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, ऑड कोएफिशिएंट है ना, यही ट्रिक का नाम है ओबी। ट्रिक का नाम भी यही है, ऑड बिफोर। अभी समझाता हूँ इस चीज को। ये चीज देखो, ये चीज यार आपको याद रख लेनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं मेमोराइज करने के लिए बोलता हूँ, तो सिंपल सा ट्रिक है, ओबी बस याद रख लेना। ओबी मतलब क्या है, देखो पाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे है वन, यहाँ पर पाई का कोएफिशिएंट है टू, तो ये वन वाला जो कोएफिशिएंट है वो पहले आया है, ऑड था, इसीलिए ओबी मतलब ऑड बिफोर आता है। और ये टू वाला जो कोएफिशिएंट है ये इवन है तो इसको बाद में लिखा है, और ये थ्री वाला फिर से ऑड है तो इसको पहले लिखा है। बस इतना याद रख लो कि नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है आपको, अगर नियरेस्ट मल्टीपल ऑड हुआ तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पहले आएगा, अगर नियरेस्ट मल्टीपल इवन हुआ तो वो बाद में आएगा। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हो गया कि आपका आंसर जो है, डाउट क्या हो रहा था हमें, हमें ये हो रहा था डाउट कि सर आंसर ये हो सकता है कि पाई माइनस इनपुट या इनपुट माइनस पाई, दो आंसर्स आ सकते थे। इफ यू डोंट नो द ग्राफ वी विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड कि क्या करना है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाले में ट्रिक क्या होता है, ओबी खत्म। फाइंड द नियरेस्ट मल्टीपल, फाइंड द नियरेस्ट मल्टीपल, अगर ऑड हुआ तो बिफोर, तो देखिए अपन ऑड हुआ तो बिफोर कर देंगे। मतलब इसका ये हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर वन मल्टी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसको अपन ने पहले लिखा है, तो डाउट ही खत्म हो गया। नीचे आ जाओ, थ्री जो है इसका आंसर, थ्री मत लिख देना है ना, थ्री जो है वो 1.5 से बड़ा आंसर है, अपने को छोटा लाना। तो थ्री के नजदीक कौन आएगा, वन पाई या टू पाई, क्लियरली वन पाई यार, कम ऑन, थ्री का वैल्यू ही 3.14 होता है, इससे नजदीक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपने को यूज तो करना है वन पाई, वन ऑड होता है इवन ऑड, ऑड बिफोर मतलब खत्म, सोचना ही नहीं है। अब मैं आपको जादू बताऊं, ये पाई माइनस थ्री का वैल्यू ना अपने आप इस रीजन में आ चुका है, ठीक है। आप मेरे को ये भी नहीं बोल सकते कि सर आप मेरे को रटने के लिए बोल रहे हो, ना ना ना, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है लॉजिकली, इसका एक्सप्लेनेशन है ग्राफ, आप ग्राफ से देख लो, है ना, बिल्कुल ग्राफ से देख लो, या तो जीवन भर ग्राफ से देखते रहो, या तो एक ट्रिक बना लो और वो याद कर लो, वट एवर यू फील लाइक डूइंग। तो मेरे को, तो मैं सच बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द ग्राफ इज वेरी इजी टू रिमेंबर। मेरे को क्या पता नहीं क्या मुश्किल है, बताइए, माउंटेनियस ग्राफ है पूरा, एकदम माउंटेन माउंटेन बनेगा और पॉइंट्स बस पता करने, मुझे सेम कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का था, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल ग्राफ को मैं रेयरली यूज करना चाह रहा हूँ। इधर आते हैं, फोर के नजदीक में, फोर के नजदीक में पाई आएगा या टू पाई, 3.14 या फिर टू पाई 6.28, क्लियरली 3.14 राइट। तो अगेन अपने को वन फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई यूज करना, मतलब ओबी ऑड मल्टीपल है, बिफोर लिखेंगे और इनपुट को बाद में लिखेंगे। आप चेक करना चाहते हो तो कर लो, इसका आंसर 0.86 आएगा, 3.14 माइनस का 0.86 सॉरी, बट स्टिल इट इज इन दिस, ये माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में आता है। अब हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, 5 के नजदीक में कौन आएगा, 5 के नजदीक में 1 पाई आएगा या 2 पाई आएगा, सोचो। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है सोचना कि 1 पाई आएगा या 2 पाई आएगा, 5 के नजदीक में कौन आएगा, तो या तो 5 माइनस 3.14 करो, या 5 का डिस्टेंस 3.14 से निकालो और 6.28 से निकालो, देखो कौन ज्यादा पास, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 1.86 और ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 1.72। आई थिंक आई एम करेक्ट राइट, मैंने थोड़ा ज्यादा गलत कर दिया, 0.72 आना चाहिए सर, 5 + 1 = 6, हाँ ठीक है सर, 1.28 आएगा, ये मैंने उल्टा कर दिया क्या, 1.28 आएगा, चलिए, मतलब इन एनी केस यही वाला नंबर ज्यादा नजदीक है।
अब आप सोचोगे कि सर ये सब कितना छोटा छोटा कैलकुलेशन करा रहे हो, अरे इट्स वर्थ इट, जरा सा ही तो कैलकुलेशन है। आपको उस पता चल गया कौन नजदीक है, अगर जैसे पता चल गया हमें 2 पाई नजदीक है, 2 पाई नजदीक है ना, तो 2 पाई यूज करेंगे। लेकिन लेकिन ऑड थोड़ी अब इवन है, ऑड बिफोर आता है, वो भी याद रखो बस, इवन आफ्टर अपने आप याद हो जाएगा भाई। अगर ऑड बिफोर है तो इवन आफ्टर है ना, क्या दिक्कत है? तो इवन आफ्टर है मतलब इनपुट माइनस नियरेस्ट मल्टीपल, खत्म। चेक भी मत करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। 6 के नजदीक तो 2 पाई होगा ही होगा, और 2 पाई इवन होता है इसलिए बाद में। 7 के नजदीक भी 2 पाई होना चाहिए, बिल्कुल 2 पाई होना चाहिए, क्योंकि 6.28 और 7 बहुत पास पास है ना। तो 7 माइनस 2 पाई होगा। जब जब इवन होगा वो बाद में लिखा आएगा, जब जब ऑड होगा वो पहले लिखा हुआ आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ये कहीं पर भी मेंशन नहीं आया, आई डोंट नो, मैं हमेशा सरप्राइज रहता हूँ कि क्यों ये चीज बताते नहीं है। बिल्कुल आपको बता सकते हैं ये चीज कि ये ऑड वाला पहले लिखो, इवन वाला बाद में लिखो, ठीक है। 8 sin inverse of sin 8 देखते हैं अपन। 8 के नजदीक में कौन आ रहा है, 3 पाई आ रहा है या 2 पाई आ रहा है? मेरे ख्याल से 2 पाई बहुत पीछे रह गया। 6 और 9.42, 9.42 काफी नजदीक है। आप सब ट्रैक करके भी देख रहे हैं ना, ये 1.42 आएगा और ये 6.28, थोड़ा ज्यादा आ गया ना, 7, हाँ काफी बड़ा हो गया, 1.72 तक जाएगा वो। यस, तो 3 पाई ज्यादा नजदीक है, तो फिर से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड मल्टीपल है तो इसलिए उसको पहले लेंगे, ऑड बिफोर। अच्छा इसको है ना, मैं एक्चुअल में ये ट्रिक मैंने जब बनाई थी तब आप लोगों का ओपी टर्म हुआ नहीं करता था, है ना, ओपी टर्म हुआ नहीं करता था, जो आप लोगों ने पता नहीं कौन से गेम से सीखा है, शायद पबजी से सीखा है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आप हिंदी में चाहते हो तो, ऑड पहले है ना, तो ये ओपी ट्रिक हो जाएगा। मेरे को लग रहा है मेरे को अपना वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओबी से बेहतर ओपी, ठीक है। तो जैसे आपको उचित लगे, अंग्रेजी हिंदी वो आपके ऊपर है ना, लेकिन याद जरूर रख लेना इसको, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतना याद रख लिया तो इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। तो सारी ट्रिक्स जो है 4 वीडियोज में कंपाइल करके उनको मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने वीडियो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड करा है, उसको भी लग रहा है कि मैं री रिकॉर्ड करना चाहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्कल ऑडियो क्वेश्चन करते वक्त तो ये ट्रिक मैंने कैच कर लिया था इसलिए करेक्ट हुआ, गुड गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये कैच हो जाता है बट इसको मेंशन नहीं करते लोग, करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, हम लोगों ने 4 ग्राफ देखे, 5वां ग्राफ कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, sec इनवर्स ऑफ sec x। बस मैं आपको है ना एक चीज बताऊं, ये ग्राफ अपन बनाएंगे ही नहीं, और एक और ग्राफ होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोजेक इनवर्स ऑफ कोजेक एक्स। तो आई होप पहली बात तो आप लोगों ने आरडी शर्मा का 3.7 या 4.7 जो भी आपके पास एडिशन है वो किया होगा। आरडी शर्मा बुक को आप कम मत समझिए, क्योंकि मैं आपको अभी से बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स आसान नहीं होती है। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाता है उसका बोर्ड एग्जाम जरूर खराब होता है, ठीक है। खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि मार्क्स खराब आ जाएंगे, आप जितना ला सकते थे ना उतना नहीं ला पाओगे, आपके पोटेंशियल के हिसाब से कम आ जाएगा, ठीक है। तो करते रहो साथ में, बहुत आराम रहेगा। देखिए इसका ग्राफ जो रहेगा दैट विल बी सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एकदम सेम रहेगा। लेकिन ना इसका डोमेन क्या होता है सेक एक्स का, सेक एक्स मतलब 1 बाय कॉस एक्स, मतलब जहां cos 0 है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऑड 5/2 वहां पे हॉलो सर्कल आता है। तो ग्राफ विल बी सेम, ग्राफ विल बी सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्सेप्ट फॉर हॉलो सर्कल्स, एक्सेप्ट फॉर हॉलो सर्कल्स एट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ग्राफ विल बी सेम एज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्सेप्ट फॉर हॉलो सर्कल्स एट ऑल द एन मल्टीपल ऑफ पाई। समझ रहे हो ना आप इन सब बातों को? सर आई हैव टू लीव ड्यू टू सम रीजंस, कैन आई लीव, आई विल वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है विवेक। आर डी शर्मा नया नहीं पढ़ा है मैंने, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
चलो अभी तक जितना पढ़ा है फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, है ना, क्विक समरी। तो इसका एक समरी देखते हैं अपन। समरी के स्पेलिंग में एक ही आ रहा है या दो आएगा? एक ही आएगा ना, क्विक समरी। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि tan इनवर्स ऑफ tan x। दूसरी बार में हमने पढ़ा था cot इनवर्स ऑफ cot x। तीसरी बार में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा sin इनवर्स ऑफ sin x। अब सुनो मेरी बात, समरी ये है कि इनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देता हूं। बताइए tan इनवर्स ऑफ tan x x के बराबर कब होगा? जब x बिलोंग करेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है वो लिख रहा हूं, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। cot इनवर्स ऑफ cot x x के बराबर कब होगा? हमेशा नहीं होगा, सिर्फ तब होगा जब इनपुट जीरो से पाई हो। अगर इनपुट जीरो से पाई हुआ तब जाके आउटपुट इनपुट बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। इन सब में कॉमन बात है, अभी ढूंढ के मैं आपको बता दूंगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और अपने आप ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको याद हो जाएगी। देखो इसको ऊपर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड दिस इज फंक्शन, थोड़ा कर लेना यार आप लोग, है ना। cos inverse of cos x क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। कब होता है ये x? When x belongs to 0 to pi। देखो मैं ट्रिक बताने से पहले आप लोगों को पूछूंगा, ये ट्रिक नहीं है वैसे, दिस इज प्योर ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इसको ट्रिक की तरह क्लेम नहीं करता हूँ। sin inverse of sin x क्या हो जाएगा बताइए? ये x हो जाएगा when x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2। ठीक है, आपके यहाँ नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है क्या? काफी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, कोई बात नहीं आप छोड़ सकते हो लेक्चर। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है आज, मतलब मेरी लोकेशन में। फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, क्या समझ में आया यहां तक अपने को बताइए? इनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखकर आपको क्या समझ में आया? सुनना मेरी बात आप ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ tan x x के बराबर हमेशा नहीं होगा, बस इतना याद रखना, वो तब होगा x के बराबर जब इसका इनपुट जो होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करे। तो इस इनपुट को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, मतलब इतने इनपुट के लिए आपका आउटपुट जो होगा वो इनपुट के बराबर आ जाएगा। cot इनवर्स cot x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा 0 टू पाई। क्या समझ में आ रहा है आपको इधर देखकर ये चीज, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू? मैं आपको बताऊं क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, बेसिकली याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि एक बात बताओ मुझे, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो tan इनवर्स का रेंज जो रहेगा ना, वही tan इनवर्स ऑफ tan x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज रहेगा। मतलब समझ गए ना अपन, मतलब तो cot इनवर्स का रेंज क्या हुआ करता था? जीरो टू पाई। अगर आपको अभी रेंज सोचने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपने उतनी मेहनत नहीं करी। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको सारी ट्रिक्स दे चुका हूँ, पूरा अच्छे से सर्व कर चुका हूँ, दिन रात उसमें लगे रहते तो अब तक गजब याद हो जाता, मतलब सोचना ही नहीं पड़ता। आपसे कोई भी रात के 3 बजे उठाएगा, आपको तुरंत डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, है ना। देखो कोई भी चीज़ को रिपीटेडली करोगे ना, तभी आप उस पर मास्टर कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि एक दो बार पढ़ लिया तो हो गया। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, cot इनवर्स का, cot इनवर्स x का रेंज क्या होता है? माइनस जीरो टू पाई, जीरो टू पाई होता है, और वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हुआ किसका? cot इनवर्स cot x का। बड़ा आसान है अब तो याद रखना। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? जीरो टू पाई, अगेन क्लोज्ड, वाह यही उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया। साइन इनवर्स का रेंज क्या हुआ करता था? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया। मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा ऐसा इंटरवल जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाते हैं, ऐसा इंटरवल
जिस इंटरवल में से अगर आपने इनपुट डाला, मतलब इस इंटरवल का इनपुट अगर आपने डाला, तो आपका आंसर जो आएगा, आउटपुट जो आएगा, वो भी इनपुट के बराबर आ जाएगा. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल. और सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद करना कितना आसान. साइन इनवर्स का जो एक्चुअल में रेंज हुआ करता था, वही साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया है. अब तो मेरे हिसाब से कोई कभी भूल ही नहीं सकता, चाह के भी भूल नहीं सकते आप, अगर आपको सबका रेंज याद है तो. रेंज याद नहीं है तो अभी बता रहा हूँ, फैमिली कर्व देख लो. साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, और इधर आता है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स. ये होता है, ये वाले सारे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये सारे जीरो टू पाई, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी, ब्रैकेट्स वाली, बस कॉन्स्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको. रोज 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 सोचो, दिन रात सोचो ना कि क्या रेंज होता था, क्या डोमेन होता था, तभी तो समझ में आएगा. चलो आगे बढ़ते. तो जो जो पढ़ा अपन ने, एक बार फटाफट रिवाइज करते, क्विक रिविजन टिल डेट लिख लो यहाँ पे ना, रिविजन. अब क्विक नहीं लिख पाया मैं, यहाँ लिख देता हूँ. यस, क्विक रिविजन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो कोई मुझे बता सकता है कि एक्स क्या होगा? टाइम लग रहा है ना सोचने में. 1/√2. ठीक है, सही है. ठीक है, आप सुनो मेरी बात, है ना, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय फोर. देखिए, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय फोर मतलब एक्स हो जाएगा 1/√2. कैसे पता आपने को? सर इसको ऐसे कर लेते हैं, सुनो मेरी बात, अभी मैं आपको ना बहुत जरूरी चीजें बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या होगा ना, कि आप साइन उस तरफ पहुंचा लो, या दोनों तरफ साइन ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो, एक ही बात है. साइन ऑफ साइन इनवर्स तो एक्स ही होता है, तो जैसा करना कर लो, या तो एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय फोर लिख लो, तो पाई बाय फोर सॉरी, है ना, तो एक्स आ जाएगा 1/√2, है ना, काफी आसान. साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय थ्री आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री, तो एक्स आ जाएगा 60 डिग्री का साइन वैल्यू, दैट इज √3/2. काफी आसान है. क्या कोई मुझे ये वाला बता सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर 1 हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए. π/2 होगा. अच्छा चलो, लास्ट वाला जिसने बताया उसको चॉकलेट मिलेगी. साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. हाँ ठीक है ठीक है, ये π/2 गलत है वैसे ना, ये वाला गलत है, ऊपर वाला, मैं नीचे वाला बाद में बात करूंगा. आपने π/2 जो बताया वो गलत है. आपने क्या कर दिया कि साइन इनवर्स ऑफ 1, इसका आंसर π/2 होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर π/2 थोड़ी होगा. साइन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब ये एक एंगल है, आप समझो इस चीज को, क्या लिखा है, ये एक एंगल है और एंगल का वैल्यू 1 रेडियन. ये क्या लिखा था, एक एंगल है उसका वैल्यू π/3 रेडियन, तो इसका आंसर बेसिकली आएगा क्या, टेक्निकली करोगे तो दिस इज साइन ऑफ 1 रेडियन, दैट्स इट. अब अपने को साइन 1 रेडियन का वैल्यू नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 57 डिग्रीज. ठीक है, साइन ऑफ 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री होता है. चलो ये वाला भी ट्राई करके देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा, करो कोई तो ट्राई करो. साइन 2 रेडियन. और कोई सोचो थोड़ा, साइन 2 बोल दिया सबने, फंस गए. अबे ध्यान से देखो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, पाई माइनस 2 मत बोलो अमर, क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा और अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं जाल बिछा रहा हूँ, आप जाल में फंस जा रहे हो. पॉसिबल ही नहीं होगा. हाँ यही तो सुनना है, पॉसिबल नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? अरे साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब साइन इनवर्स जो है वो 1.57 से बड़ा नंबर कभी दे ही नहीं सकता ना, और अगर उसने दे दिया है, अगर उसने दे दिया है तो इसका मतलब आंसर गलत है, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाई आएगा, एक्स इज इक्वल टू नल सेट लिख दो या फाई लिख दो या वॉट एवर. ठीक है, अब वो मत बोलना कि सर आप अभी तो पाई माइनस 2 कर रहे थे, अबे वो अलग फंक्शन था, ये साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए अपन पाई माइनस 2 जरूर कर रहे थे, ये अलग फंक्शन है, ये टोटली अलग फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, अपन तो सिर्फ साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं अभी.
ये रहा, ठीक है, ये सारी गलतियां जो है वो बच्चा करता ही करता है। चलो थोड़ी सी और गलतियां करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कोई नहीं कोई नहीं, फंसोगे आप सब फंसोगे, थोड़ा थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स क्या आएगा, आराम से बताना है ना, जल्दबाजी नहीं करना, सोचो सोचो, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू वन है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, नो वन, क्या कर रहे हो यार, अच्छा टाइप किया आप लोगों ने, ठीक है ठीक है, कॉस वन, कॉस वन, बहुत सोच समझ के जवाब दिया रिचा ने एकदम, केबीसी टाइप। अच्छा चलो रिचा आप ये भी बता दो मुझे कि कॉस इनवर्स एक्स अगर टू आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस टू, कॉस टू आएगा, डिफाइंड रहेगा ये, हाँ सर, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। चलिए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डिफाइंड रहेगा ये भी, लेकिन अब आपको पता है मैं आगे जो लिखूंगा वहां फंसने वाले हूँ, है ना, तो कॉस इनवर्स, कॉस थ्री, अरे हाँ यार ठीक है, कॉस थ्री, गलती से मिस्टेक हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, सर ये फाइव आएगा, हाँ ये नल सेट आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा या कद्दू आएगा, जो बोलना है बोलो। तो आपके सामने अगर कोई ऐसी हरकतें करे, कर लेते हैं ना स्कूल में वाइवा वगैरह होता है तो ऐसी हो जाती है दिक्कतें, पूछ लेते हैं आपसे और फिर अपना सा मुंह लेके रह जाओगे, कोई आपको यही बोल दे कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, बताइए इसका आंसर क्या है, आएगा, बिकॉज इनवर्स फंक्शन जो होता है कॉस का, उसका रेंज जो होता है ना, दैट इज जीरो टू पाई, मतलब जीरो से छोटा नंबर तो दे ही नहीं सकते, तो ये तो वैसी बकवास है, और पाई से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, मतलब 3.14 से बड़ा नहीं देगा आपको, ठीक है। चलो इतना अपने को, चलो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है, अभी थोड़ा और रिविजन कर ले क्या, चलो इनइक्वालिटीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इनइक्वालिटीज इसकी बहुत ईजी है, inequalities involving inverse trigonometric functions. अगर sin inverse of x आपको दिया हुआ है greater than pi by 4, greater than pi by 4, तो क्या आप solve कर सकते हो, solve for x करके देखो, solve for x, मैं आपको दे रहा हूँ, time allotted is 60 seconds. करो सॉल्व, सबसे पहली बात तो इनइक्वालिटीज देख के हमारा मन घबराने लगता है ना, क्योंकि इनइक्वालिटीज के ना बहुत सारे रूल होते हैं, 0.7 तुम अद्वैत वैसे बताने लगे क्या पॉइंट में, कोई बात नहीं वैसे बताना, डेसिमल में मेरे को फ्रैक्शन में बताना, सुनो अभी ना देखो आप लोग क्या गलती कर सकते हो, सबसे पहली बात जब भी आपको x के लिए सॉल्व करना हो, अद्वैत गलती कर दिया आपने फिर से है ना, मिस्टेक, क्या मिस्टेक करी, मैं आपको पहली स्टेप में बता रहा हूं, ये जो साइन इनवर्स है ना एक्स का, इसका जो एक्स है यार ये तो माइनस वन से वन के बीच में रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या बोलता है कि उसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो माइनस वन से वन के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना करके ग्राफ, माइनस वन से वन के बीच में आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो आप ये लिख दो कि एक्स शुड ओरिजिनली बिलोंग टू माइनस वन टू वन, ठीक है ऋचा, अभी भी स्लाइटली गलती है, कुछ तो गलती है अभी। दूसरी बात ये लिख लिया आपने, एंड ये तो होना ही चाहिए, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय फोर, अब अपन क्या करें, दोनों तरफ साइन ले लिया, अगर मैंने साइन मत लो दोनों तरफ, आप क्या करो ये वन बाय पाई बाय फोर को कुछ लिख दो, या फिर साइन इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या करोगे, उस तरफ अगर साइन पहुंचाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ऐसा सोच लो,
दूसरा तरीका जो बहुत अच्छा तरीका सोचने का है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। वो तरीका क्या है कि आप है ना ये पाई बाय फोर को लिख दो साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू। लिखा हाँ। अब आप देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़ा एक्स जो होता है उस पर बड़ा वाई आता है, तो ये बड़ा वाई जो आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स रहा होगा वो बड़ा रहा होगा करस्पॉन्डिंगली ये वाले एक्स, मतलब इसका इनपुट जो होगा वो इसके इनपुट से ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आता है, तो एक्स विल बी ग्रेटर देन वन बाय रूट टू। ठीक है, सही आंसर है रिचा आपका। अभी दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन तो मैं ओरली ले सकता हूँ ना, मैं ये बिल्कुल करके नहीं बताऊंगा वेवी कर्व मेथड से। वन बाय रूट टू से लेकर वन, ठीक है, ये फाइनल आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? अभी सारी गलतियां जो हो सकती है आपसे ना मैंने एक पेपर पे लिख रखी है। ठीक है, ये पूरा एक कलेक्शन है जो मैंने बना रखा है कि जो बच्चा गलती करेगा वो सारी गलतियां मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना। अब मैं आपसे चलो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन कर देता हूँ। चलिए देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉल्व फॉर एक्स। टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स। सॉल्व फॉर एक्स। अभी देखो इंसान इतना चालाक तो है कि अपनी पहली गलती नहीं दोहराएगा, मतलब वो जरूर इतना तो लिख देगा कि एक्स इज बिलोंगिंग टू -1 to 1, ये तो ओरिजिनल कंडीशन होनी ही चाहिए, एंड उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन ले सकते हो या फिर वन को आप प्यार से क्या लिख सकते हो, रुक जाओ थोड़ा सा। या तो ऐसा कर लो कि साइन को उस तरफ पहुंचा दो, इनइक्वालिटी चेंज होगी ही नहीं। मैं आपको बता चुका हूं ना, ऐसा सोच लो कि साइन इनवर्स उस तरफ जा रहा है। अभी देखो इधर बच्चों प्लीज, साइन इनवर्स एक्स अगर वन के बराबर होता तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके बोल देते कि एक्स इज इक्वल टू साइन वन, एंड ऑफ द स्टोरी। बट यहां पर इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में दो ही चीज होती है यार, या तो रिवर्स होगी या तो नहीं होगी, है ना, या तो इंटैक्ट रहेगी या तो रिवर्स हो जाएगी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंटैक्ट रहेगी। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका जो इनइक्वालिटी वो इंटैक्ट रहेगा। ये वाला आंसर देना बहुत जरूरी है साइन वन टू वन, अद्वैत गलती कर रहे हो बार बार, है ना। ऋचा आपका आंसर सही है ना, एक्सेलेंट। तो ये हो और ये, दिस एंड दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। अभी देखो यार साइन वन कितना हो जाएगा, वन होता है, साइन ऑफ 1 रेडियन है ना, 57 डिग्री होता है लगभग। खैर मेरे को उससे मतलब नहीं है, आप चाहो तो ये इंटरसेक्शन का नंबर लाइन बना लो। साइन वन कहाँ पर आएगा बीच में, लगभग लगभग साइन वन है ना। यार मेरे को एक बात बताओ, 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री, अभी बताया ना सर आपने। अबे 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री, अभी अभी बताया मैंने, ये 1 रेडियन है। 57 किसके नजदीक है, 60 के, और साइन 60 का वैल्यू कितना आता है उससे कंपेयर कर लेते, थोड़ा सा जुगाड़ कहते हैं इसको अपन। साइन 60 होता है √3/2, √3/2 विल बी 1.7/2, ऑलमोस्ट 0.86, 0.86 हो जाएगा ना, तो बीच में आएगा कहीं यहाँ पे। साइन वन का वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो साइन वन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.86 से थोड़ा सा और छोटा होगा। आई डोंट केयर एक्चुअली, बस मेरे को पता करना था कि वन के पहले आएगा या वन के बाद, यहाँ पर आएगा साइन वन। अब देखो ये कह रहा है -1 to 1, डार्क डार्क सर्कल डार्क सर्कल। ये कह रहा है साइन वन से लेकर, साइन वन पे डार्क सर्कल है से लेकर इन्फिनिटी, तो आपका कॉमन रीजन आएगा साइन वन से लेकर वन। क्या लिखोगे आप फाइनल आंसर, एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ऑफ साइन 1 to 1। कितना सा क्वेश्चन है लेकिन मैं बता रहा हूँ 50% जनता इसको गलत करेगी,
एक बार में कभी कोई सही करता ही नहीं। चलो अब अपन थोड़े से एक्सपर्ट हो गए। सर साइन इनवर्स एक तो बस एक वैल्यू का ही पे वो होगा ना, वन से ज्यादा, वन के बराबर। कैसे वन से ज्यादा तो हो नहीं सकता वो। नहीं बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, देखो इधर साइन ऑफ वन रेडियन लिखा है वो, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। मैं बताता हूँ, रुको मैं आपकी आंखें खोल देता हूँ। ये होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। बताओ अद्वैत ये वाला वैल्यू क्या होता है? वो पाई बाय टू। 1.57 ना? 7, हाँ। और 1 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा मान लेते। तो 1 से बड़े वैल्यूज जो है वो इतने सारे आ सकते भाई, मतलब इतने सारे ग्राफ के पॉइंट्स है, मतलब इतने सारे इनपुट्स पॉसिबल है जिनके लिए आंसर आपका साइन इनवर्स एक्स का आंसर 1 से बड़ा हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना ये, तो साइन इनवर्स एक्स का आंसर जो है वो इतनी सारी एक्स के लिए 1 से बड़ा हो सकता है, तो वो लिखा है मैंने यहाँ, समझा ना। और ये जो पॉइंट आएगा ना, मेरे को पता है यहाँ कन्फ्यूजन होता है, बहुत होता है कन्फ्यूजन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका दिमाग जो है ना वो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को मिक्स करता है। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये वाला पॉइंट होता है x इज इक्वल टू वन, और ये वाला पॉइंट होता है x इज इक्वल टू साइन ऑफ वन आएगा ना, हाँ साइन ऑफ वन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट साइन वन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको चलो और थोड़ा सा परेशान करूंगा अभी। सर आपने साइन वन की वैल्यू कैसे निकाली अप्रोक्स? साइन वन देखो पहली बात तो वन रेडियन होता है 57 डिग्री, ये आप याद कर लो, दिस इज अ डेटा दैट आई एम प्रोवाइडिंग। 57 डिग्री मतलब 60 के आसपास, तो मैंने सोचा कि यार चलो 57 पे जो वैल्यू आ रहा है 60 पर जो वैल्यू आएगा उससे थोड़ा सा छोटा होगा। साइन का ग्राफ जो 60 पर आंसर देगा वो रूट 3/2 देगा, तो 60 पर रूट 3/2 अप्रॉक्सीमेटली कितना था? 0.86। तो आपका आंसर डेफिनेटली 0.86 से थोड़ा सा छोटा आएगा, मतलब 0.85 0.84 कुछ भी मान लो, तो 1 से तो छोटा ही हुआ ना, तो बस 1 से पहले आ गया वो, बस मेरे को मार्क करना था नंबर लाइन पे, तो मैंने 1 से पहले मार्क कर लिया, समझ में आया। अब ये साइन का वैल्यू 57 डिग्री पर जो आ रहा है वो 60 से छोटा कैसे आएगा वो कैसे पता मुझे? क्योंकि साइन ना इंक्रीज करता है स्टार्टिंग में, 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा 60 डिग्री, और 60 से जस्ट पहले आएगा 57 डिग्री, तो जो आंसर 60 पर आएगा 57 पर उससे स्लाइटली छोटा आंसर आना है, समझ में आ रहा है ना? पूरा फील वाली बात है, अपन उसको जुगाड़ से एक तरीके से पता कर पा रहे हैं कि हाँ चल क्या रहे, समझ में आया आ रहे हो? हाँ सर समझा। एक और क्वेश्चन करिए, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटीज तो है जो इंसान को परेशान कर देती, अब नहीं करेगी आपको, है ना, अब अपन थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। सॉल्व फॉर एक्स देखते हैं इसको अपने ना। सबसे पहली बात तो आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम cos इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है? फर्स्ट शेप का मतलब डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग होगा ना, तो आप अगर इक्वालिटी होती पहले ये सोच लिया करो, देखो इधर प्लीज आपका काम आसानी करने आया हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी होती तो आप क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू cos 0 ये लिखते ना, लेकिन इनइक्वालिटी है तो आप इनइक्वालिटी में ये चीज लिखोगे बिल्कुल, लेकिन साइन रिवर्स हो गया या नहीं होगा तो आपको फंक्शन देख लो ना, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो रिवर्स कर लो, ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो दोनों तरफ पॉज ले लो ये भी चलेगा, और ज्यादा और फड़फड़ाहट हो रही है तो जीरो जीरो को आप क्या लिख सकते हो? कॉज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू, सोच कर देखो तो भी अपना आंसर आ जाता है। जीरो को मैंने, हाँ ठीक है एक मिनट रुक जाओ, यहाँ जीरो है ना, क्या लिखा था? कॉस जीरो, कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा ना, कॉस इनवर्स ऑफ वन लिखना था, कॉस जीरो इज वन, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन आ गया।
ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस वन टू वन। इसका इंटरसेक्शन ये वन से छोटा और ये माइनस वन टू वन, कर लोगे ना इंटरसेक्शन की, करके बता दूं, माइनस वन से लेकर वन, और वन से छोटा मतलब ये वन से लेके माइनस इनफिनिटी तक, कॉमन ये वाला आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। ठीक है, करो ये वाला ट्राई, करो करो करो, तभी आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा कि चल क्या रहा है भाई, सॉल्व फॉर एक्स। इसके बाद दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, फिर अपन प्रॉपर्टी नंबर टू पे जाते हैं। ठीक है, क्या करें अपन बताइए। यहाँ पे सबसे पहले तो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा अगर आप यहाँ पे कॉस वन पहुँचाते हैं। और दूसरी बात, वो मेरे को पहले लिखना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, तो इसको बाद में लिख देता हूँ। माइनस वन टू वन, कॉस वन का वैल्यू लगभग कितना आएगा, वन कितना होता है, अरे वन रेडियन इज क्लोज टू पाई बाई थ्री, 60 डिग्री के पास है ना वन रेडियन, तो 60 डिग्री पर हाफ होता है, 60 डिग्री पर हाफ होता है, तो हाफ के आसपास होगा ना, हाफ से थोड़ा सा और बड़ा ही होगा, तो 0.5 मतलब वन से छोटा बस, तो माइनस वन टू वन, और ये कॉस वन जो होगा वो कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो कॉस वन से छोटा और माइनस वन टू वन, तो फाइनल आंसर विल बी एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू कॉस वन। देखते कितने लोगों का आया ये वाला आंसर, काफी लोगों का दिख रहा है मुझे कमेंट में, माइनस वन टू कॉस वन। अब आप समझ गए हो कि कैसे करना होता है क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेन समझता है क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो करके देखो। अब लॉग के अंदर डाल के देखता हूं मैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स को, सोचिए पहले तो अपन ये समझेंगे कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा इंक्रीजिंग होता है, ग्राफ होता है ना आपको, लॉग का ग्राफ ऐसे ही होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप अगर यहाँ पे इक्वालिटी इमेजिन करो, पहले इक्वल इक्वल साइन होता तो आप क्या करते, डेफिनेटली आप 2 की पावर में 1 कर देते है ना, तो RHS में क्या लिखते हैं आप 2 की पावर में 1, और LHS में tan इनवर्स हो जाता अगर इक्वालिटी होती तो, लेकिन इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी, कोई बात नहीं ना। आप देख लो जो बाहर आउटर मोस्ट फंक्शन है उसके साथ अपन छेड़खानी कर रहे हैं, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी विल बी इंटैक्ट, तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है मैंने, दूसरी बात, टैन इनवर्स ऑफ एक्स 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा? अरे यार अद्वैत फिर फंस गए तुम, ध्यान से सोचो क्या लिख दिया मैंने, टैन इनवर्स ऑफ एक्स 2 से बड़ा होना चाहिए, ये देखो tan इनवर्स बेचारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में फंसा है, ये होता है 1.57, 1.57 से बड़ा ही नहीं हो सकता है, 2 से बड़ा क्या होगा, नल सेट, समझ रहे हो, लिख लो इसका रीजन, इसका रीजन है ये, tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू,
ठीक है, ये सारी गलतियां जो है मैंने एक पेपर पे लिख रखी है, बहुत सारी गलती, ये सारे क्वेश्चन जो है ना उनमें गलतियां ही गलतियां, मतलब आप गलतियां करोगे ही करोगे, ये पूरा है। ठीक है, तो मैं जहां पर अपने नोट्स लिख कर रखता हूँ वहां पर मैंने स्टेपलर से एक पेपर लगा रखा है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स करके, उसको मैं एक टॉपिक बना के पढ़ा देता हूँ। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे। सर अगर ये वैलिड होता तो इसके साथ और क्या कंडीशंस लगती? मतलब ये टू की जगह कोई अच्छा नंबर होता अगर, हाँ मान लो यहाँ वन होता है ना, मान लो यहाँ जीरो होता तो यहाँ वन आ जाता, तो उस केस में क्या हो जाता कि हम लोग बोलते कि अब टैन इनवर्स फंक्शन जो है, अच्छा वन को आप क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग ऐसा लिख सकते हो, चाहे तो वैसे से सोच लो, वरना मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि टैन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ अपने सामने, तो सिंपली आप इसको एक्स इज इक्वल टू टैन ऑफ वन लिखते, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इक्वालिटी होती तो ऐसा करते, लेकिन अभी इनइक्वालिटी, कोई बात नहीं। टैन इनवर्स जो फंक्शन था वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी, एक्स इज ग्रेटर देन टैन वन आ जाता अपना आंसर उस केस में, अगर वैलिड होता तो। आ रहा है समझ में? सर उसके साथ ये भी लगाना पड़ता था कि tan inverse x, बिल्कुल लगाना पड़ता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, tan inverse x is greater than 1 अपन ने सॉल्व कर लिया, मतलब greater than 0 अपने आप सॉल्व हो गए, सोचो ना, 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर दिया, तो 1 से बड़ा हमेशा रहेगा इन x के लिए, तो 0 से बड़े की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 1 से बड़ा तो हो ही चुका है tan inverse x, ये लगाना पड़ता है अपने को नॉर्मल केसेस में, और इंटरसेक्शन देते, बट कॉमन सेंस लगाओगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही ना बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। एक और चीज लगाते हैं आप यहाँ पे कि tan inverse x का डोमेन क्या होता है, लकीली वो ऑल रियल नंबर होता है तो हमने उसका उसकी फिक्र ही नहीं करी, वरना उसको भी अपन लेते हैं इंटरसेक्शन में कि x शुड बिलोंग टू ऑल रियल नंबर या कुछ भी जो भी होता, तो उसकी हमें दिक्कत नहीं गई, सारी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ लिखा था, मैं भूल गया यहाँ पे क्या था, मैं ज्यादा अंडू कर सकता हूँ, देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द डोमेन ऑफ, आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व करा होगा आज, मॉड्यूल में काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, कुछ कुछ नहीं भी बनेंगे और आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये चीज पढ़ी नहीं है। लिखो ln ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है, आप अपने कॉपी के ऊपर लिख लो अच्छे से प्लीज, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, अच्छे से लिख लो ये चीज, है ना, ये याद होनी चाहिए, दिस इज अ डेटा जो मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, आपकी मदद करेगा, बिल्कुल करेगा ना, पूरा ऐसे लिख लो, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है, ये एकदम एसटीडी सेक्शन में जाएगा अपना, स्ट्रेट टू दिमाग। ठीक है, 3 AM सेक्शन में भी जाएगा ये, 3 AM सेक्शन का आपको वो याद है क्या, किसी को याद है 1 + x + y + xy इसका फैक्टर क्या होता था? x + 1 × y + 1 आपकी दीवार में होना चाहिए चिपका, है ना, मैं आपको बता चुका हूँ 2021 मतलब अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, और हर साल आता है ये जो था ना अभी गुदगुदी फैक्टर जिसको मैं बोलता हूँ, गुदगुदी फैक्टर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से सोचेंगे, अंडर रूट के अंदर वाला जो भी आइटम है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो ln ऑफ cot इनवर्स ऑफ x ये होना चाहिए पॉजिटिव। दूसरी बात, हम जाएंगे ln का आर्ग्यूमेंट, राइट, ln का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब cot इनवर्स ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, तो cot इनवर्स ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। तीसरी बात, cot इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है उसका डोमेन का ख्याल रखेंगे, लकीली यहाँ पे cot इनवर्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, तो ये इसकी चिंता अपने को नहीं करनी, मैंने लिख दिया फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अब इधर देखते हैं अपन, आप चाहो तो ये जीरो जो है ना, सुनो मेरी बात, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए हर बार थोड़ा अलग तरीका बता देता हूँ, इस जीरो को अगर मैं ln वन लिख दूंगा तो रोने मत लग जाना, एक ही तो बात है। अब लॉग फंक्शन जो होता है वो ऐसा होता है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो बड़ा वाई है उसका एक्स भी बड़ा होगा,
मतलब cot inverse of x will be greater than 1. बिल्कुल, मैंने आपको पिछले बार जैसे बताया था ना ये वाले क्वेश्चन में कि आप क्या करो, इक्वालिटी अज्यूम कर लो और फिर देख लो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग होगा, इनइक्वालिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगी. वैसे भी सोचोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, cot inverse x is greater than 1. अब आप क्या करो, दोनों तरफ cot ले लो, दोनों तरफ cot ले लोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी. लेकिन चलो ये cot inverse को उस तरफ पहुंचा दिया, इक्वालिटी होती है अगर तो क्या बन जाता है, x is equal to cot 1 बन जाता. बट इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, कोई बात नहीं. cot inverse फंक्शन जो है क्या वो डिक्रीजिंग होता है? यस, ऐसा ग्राफ होता है उसका डिक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी इस केस में रिवर्स हो जाएगी. ये सारी बातें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी आपको आगे जाके बहुत परेशान करेगी. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अब सुनो मेरी बात, cot inverse greater than, cot inverse x greater than 0 तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि हम लोग गधे थोड़ी है जो इसको सॉल्व करेंगे. जब आपने cot inverse x को 1 से बड़ा कर दिया है, cot inverse x को 1 से बड़ा करवाने के लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो 1 से बड़ा हो गया है वो ऑलरेडी ना. अब 0 से बड़ा करके क्या उखाड़ लेंगे अपन, छोड़ दो उसको. और ऑल रियल नंबर तो आपको पता ही है, वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं है. तो इसका इंटरसेक्शन आपको लेना है x belongs to all real number के साथ. आप इसको भी सॉल्व कर लो, फिर लिख दो तसल्ली से, फिर इंटरसेक्शन है लो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, आपका ले दे के आंसर वही आना है, ऑल रियल नंबर या फिर cot 1 से छोटा. ऑफ कोर्स जो फाइनल आंसर आएगा x belongs to minus infinity to cot 1, cot 1 से छोटा है ना. cot 1 पे भी ओपन आएगा. समझ में आ रही है? आपकी जो छोटी छोटी गलतियां थी पहले मैंने वो बताया, अदरवाइज आप यहाँ पे cot 1 लिखने के काबिल नहीं बनते, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है. फिर अपन ने इनइक्वालिटी समझी, अब अपन डोमेन निकालना सीख रहे हैं. डोमेन निकालना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी अपने को आता है समझ में. सर एक बार वो cos इनवर्स ऑफ x greater than 0 वाला जो आपने ऊपर बताया था, वो उससे मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा देखो, है. देखो 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 ये तो समझ ऊपर वाले cos इनवर्स ऑफ x इज greater than 0 ये रुको सर और ऊपर. हां जा रहा हूं जा रहा हूं, ये वाला ना. हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है सर. लाइक एक्स तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्या 90, तो मेरे को नहीं कंफ्यूजन हो रहा है. देखो सुनो सुनो सुनो, तुम 90 सोच रही हो क्या? मेरे को एक बात बताओ, ये रहा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है? होता है कंफ्यूजन, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से समझो. ये पॉइंट क्या होता है रिचा बताओ? एक्स इज इक्वल टू 1 होता है. अरे cos इनवर्स x का ग्राफ है फर्स्ट शेप वाला, ये x इक्वल टू माइनस 1 होता है, ठीक है? समझना ध्यान से, y एक्सिस पे एंगल आते हैं ना, y एक्सिस पर एंगल आता है, 0 से लेकर पाई तक एंगल मिलेगा अपने को. अच्छा ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताओ कि अगर आप इसको 0 को cos इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, मैं जहां तक समझ रहा हूँ आप वो करना चाह रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? cos इनवर्स x तो रहने दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos इनवर्स x आप 0 को क्या लिख सकते हो? 0 को यू कैन राइट एज cos इनवर्स ऑफ 1. सोच कर देखो क्यों? क्योंकि 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 यहां पर अपने को साफ साफ समझ आ रहा है कि 1 पर cos इनवर्स 0 होता है, मतलब cos इनवर्स 1 का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा निश्चित तौर पे. ऊपर अपन ने देखा ना ग्राफ में दिख रहा है, 1 डालने पर आपका फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू दे रहा है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया. अब आपको पता है कि cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आगे वाले एक्स पर वैल्यू छोटा आएगा, तो बड़े एक्स पर छोटा वैल्यू मिल रहा है. या आप ऐसा समझ लो जिस y का वैल्यू बड़ा आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा, जैसे दो दो मैंने y ले लिए, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, मान लो मैंने ये दो y का वैल्यू ले लिया, क्लियरली आगे वाला y छोटा है पीछे वाला y बड़ा है, तो बड़े वाले y के करस्पॉन्डिंग जो x आ रहा है ये वाला, और छोटे वाले के करस्पॉन्डिंग जो x आ रहा है उसमें से छोटे वाले का x आगे आ रहा है. मतलब हम क्या समझ चुके हैं कि आपको अगर ये वाला इनपुट और इनपुट पे इनइक्वालिटी खेलना है, तो आप लिख लो इसका इनपुट और रिवर्स कर दो. सिंपली क्यों रिवर्स कर दिया मैंने? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, डिक्रीजिंग है तो रिवर्स, इंक्रीजिंग है तो इंटैक्ट. उसका रीजन हमें पता है पहले से, बार बार थोड़ी ना अपन देखेंगे उस तरीके से. तो आपका आंसर वही आ गया, x is less than equal to 1. सर तो ये इंक्रीजिंग जो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये cos sec और cot पे लगेगा क्या सर? यस, डिक्रीजिंग ग्राफ है हमारे पास, cos इनवर्स का ग्राफ है, cot inverse का ग्राफ है,
और कॉट का भी डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो मतलब जितने भी सेकंड की फैमिली है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की फैमिली, वो सारे डिक्रीजिंग है। और साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, टैन इनवर्स का ग्राफ होता है ये ऐसा, और सेक इनवर्स का ग्राफ, कोसेक इनवर्स का ग्राफ भी हम लोगों ने देखा है ना, वो थोड़ा सा बनाना आसान नहीं है बट समझ गए ना, तो वो सारे इंक्रीजिंग है फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बहाने, मैं आपको है ना कठिन क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए चलो लिखो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इतना भी मुश्किल नहीं है ना, डोंट वरी, इट इज वेरी इजी, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ऑफ द इनइक्वालिटी 3x² + 8x, इट इज लेस देन, सिर्फ लेस देन रखते हैं 2 sin inverse of sin 4 - cos inverse of cos 4। ये चरम सीमा है ना, ये क्वेश्चन इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, मतलब ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट है, बट इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें। करेंगे सॉल्व आप खुद से, थोड़ा सा ट्राई तो करना बनता है इसमें, क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन फोर कॉस इनवर्स कॉस फोर, लेकिन ना देखो अभी आपका ब्रेन देखो कितना धोखेबाज है, तुरंत भूल गया सब कुछ, ये भले ही इसको याद होगा ओपी ट्रिक, लेकिन कॉस की ट्रिक याद नहीं होगी उसको। कॉस में भी मैंने ट्रिक बताया था आपको, माउंटेनियस ग्राफ होता है तो ये 2π 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 वाले होते हैं ना सारे, 2π 4π, तो इनपुट माइनस 4π, इनपुट माइनस इवन पाई या इवन पाई माइनस इनपुट करना है, तो नियरेस्ट इवन पाई ढूंढते थे अपन कॉस वाले में, 3x² + 8x, इट इज लेस देन 2 times sin inverse of sin 4। साइन इनवर्स साइन 4 का वैल्यू कोई बताएगा मुझे? पाई के नजदीक है ना ये, तो ओपी मतलब ऑड पहले, ऑड पहले, तो पाई माइनस 4 आ जाएगा इसका आंसर, आया समझ में? अरे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नजदीक है तो ओपी कर दिया, यहां पर देखिए 4 के नजदीक में क्या है, कौन सा इवन मल्टीपल, कॉस इनवर्स में आपको इवन ढूंढना पड़ता है, तो कॉस इनवर्स के नजदीक में कौन है नजदीक, 0π 2π 2π थोड़ा नजदीक लग रहा है, बिल्कुल सर 2π नजदीक लग रहा है ना, तो 2π - 4 करूं या 4 - 2π करूं बताइए? 2π - 4 पॉजिटिव तो लाना होता है, तो कॉस इनवर्स का तो बड़ा आसान ट्रिक है, ठीक है, इसका वीडियो तो और छोटा बन सकता है एक्चुअली, मैं आपको चलो पहले सॉल्व कर देता हूँ फिर बताता हूँ, 2π - 8 - 2π - -4 3x² + 8x, ठीक है, तो यहां से 2π गायब, -8 - 4 आ जाएगा -4 और 3x² + 8x + 4 आ जाएगा, क्या बात है, ये तो एकदम आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इन इक्वेशन बेसिकली, इसके फैक्टर्स आप लोग निकाल सकते हैं क्या, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे यार बताइए, ऐसे 8 और 12 कब आता है, 6 and 2 पे आ जाएगा ना, तो 3x² + 6x + 2x + 4, तो रूट दिख गए ना, रूट तो दूर से दिख गए अपने को, -2/3 और -2 आएगा, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, x + 2 और यहां से भी आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, तो ये x + 2 कॉमन आ जाएगा इनटू 3x + 2, इट इज लेस देन 0, डायरेक्टली छोटा रूट से बड़ा रूट, तो x बिलोंग्स टू छोटा रूट, -2 होगा या -2/3 होगा, -2/3 डेफिनेटली छोटा होगा, सॉरी -2 छोटा होगा, -2/3 थोड़ा बड़ा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्वेश्चन बोला है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब अपना जो सॉल्यूशन आया ये वाला, इसमें इंटीजर्स कौन कौन से फॉल कर रहे हैं आपको वो रिपोर्ट करना है, तो अपन यहाँ पर -2 यहाँ पर आएगा, -2/3 मतलब 0.66 का नेगेटिव, -0.66,
ऑफ कोर्स बार आएगा इसमें, लेकिन बीच में क्या आएगा, एक माइनस वन आएगा, एक जीरो आएगा. अरे बस 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 बस, माइनस वन यहाँ नहीं आएगा एक्चुअली, बीच में लिख देता हूँ माइनस 0.66. थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक बनाना है अगर, तो ऐसा कर देते हैं, और ये जीरो यहाँ कहीं आ जाएगा. ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि इस बीच में अपने को आंसर चाहिए, इसके बीच में अपने को आंसर चाहिए. माइनस टू और 0.66 का नेगेटिव, इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? इसके बीच में वी आर हैविंग ओनली वन इंटीजर, दैट इज माइनस वन. तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है? ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन. ठीक है, ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन. एक से एक क्वेश्चन अपन ने ट्राई करे, जबकि वो पूरा मिस्टेक्स वाला पेज है. ये पूरा जो पेज है ना, इट इज मिस्टेक्स अनलिमिटेड. जितनी मिस्टेक इंसान कर सकता है वो सारी कवर हो गई एक ही पेज में. अब गलती मत कर देना. आपको पता चलना चाहिए कि कब आपको साइन वन लिखना है, कब कॉस वन लिखना है, कब कैसे सोचेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होती है. ज्यादा सोचना ही नहीं है यार, आप इनइक्वालिटी को भूल जाओ. जब भी इनइक्वालिटी दिखे आप वहां पे इक्वल का साइन लगा दो, मन को शांति मिलेगी. इक्वल के साइन में आप जो करते वो कर लो, फिर आप सोच लो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग. अगर डिक्रीजिंग है तो पलट दो, इंक्रीजिंग है तो इंटैक्ट रखो, खत्म. ठीक है, आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर थ्री. एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नंबर टू ही होता है. जो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर टू पढ़ा रहा था ना, वो वन का ही एक्सटेंशन है, तो मैं इसको टू या 2.1 बोल देता हूँ. ऐसे तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, इसको मैं टू ही बोल देता हूँ. चलो इसको थ्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. नाम में क्या रखा है, नंबर में क्या रखा है, देखिए पहले समझ लेना है ना. ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, नहीं ये चीज आसान है, इसका थर्ड पार्ट मुश्किल है. देखो इधर, क्या आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है, या सो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना, पहली गलती जो बच्चे करते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को 1/sin-inverse x समझ लेते हैं. ये तो आपके दिमाग में नहीं बैठा हुआ है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में भी शायद ही बता चुका हूँ. ये सब मत सोचना, ये सब फालतू दिमाग में जो सिग्नल आते हैं ना कि कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक इनवर्स भी ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. इनफैक्ट होता क्या है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ. ये सब जो मैंने आपके सामने लिखा है वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है. होगा क्या कि कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है. बात समझ में आ रही, अंदर रेसिप्रोकल होता है. ये x है ना, ये 1/x हो जाएगा. प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ के लिए रोने मत लग जाना, प्रूफ कर लेंगे अपन. अंदर रेसिप्रोकल होता है. या ऐसा बोल दो आप कि साइन इनवर्स में x लगा हो तो इसका इक्विवेलेंट कोसेक इनवर्स लिखना है, तो आप क्या करो, इस x को उल्टा कर दो, 1/x कर दो. आ रही है बात समझ में? सेकेंड प्रूफ दे दूंगा मैं, फिर से बता रहा हूँ, प्रूफ के लिए चिंता नहीं करो, समझो पहले इस चीज को. sec इनवर्स ऑफ x क्या होगा? cos, sec और cos में रिश्ता होता है ना रेसिप्रोकल का, तो इसके इनवर्स में अंदर अंदर चलता है रेसिप्रोकल. ठीक है, sec इनवर्स का आपको अगर cos इनवर्स में चेंज करना है एंगल, तो सिंपली आप 1/x कर लो. या फिर cos इनवर्स x लिखा हुआ है और उसको sec इनवर्स में बदलना है, तो आप क्या लिख दो, sec इनवर्स ऑफ 1/x. थर्ड वाला थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं छोड़ना चाहूंगा अभी, 5 मिनट बात करेंगे इसको अपन, है ना. अच्छा चलो लिखवा देता हूँ मैं आपको, लिखवाने में क्या जा रहा है, प्रूफ तो करवाना ही है आपको वैसे भी. देखो cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो बताइए, सोच पा रहे हो थोड़ा बहुत? डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं. लेकिन ना ये हमेशा नहीं होता है, इसमें एक लिमिटेशन होती है, ये होता है जब x इज पॉजिटिव. लेकिन x नेगेटिव हो गया तो फिर कुछ और होगा क्या? बिल्कुल कुछ और होगा. तो देखो cot इनवर्स ऑफ 1/x पॉजिटिव के लिए ऐसा है ना, और यही चीज हो जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हुआ. आप चिंता मत करो, शानदार ट्रिक दूंगा, कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे. पहले समझ लो कि ऐसा क्यों होता है, एक एक करके समझेंगे आराम से. तीन प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, तीनों में से सबसे आसान कौन सी, फर्स्ट और सेकंड?
क्या करना है आपको, अंदर वाले नंबर को उल्टा कर देना है तो कोजेक बन जाएगा साइन, और साइन में अगर उल्टा कर दिया अंदर वाले को तो साइन बन जाएगा कोजेक। सेम विद सेकंड कॉस। लेकिन कॉट और टैन में ऐसा सिर्फ तब करना है जब एक्स पॉजिटिव हो। एक्स पॉजिटिव है तो जिंदगी बड़ी आसान है, एक्स नेगेटिव है तो जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल है। फिर यहाँ पे पाई ऐड करते, क्यों ऐड करते भाई पाई, उसका रीजन भी अपन देखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि पाई ऐड होता है, उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी देखो इसके प्रूफ देख लेते हैं ना। सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रूफ नंबर वन। प्रूफ नंबर वन क्या है, कि इन दोनों में से किसी एक को प्रूफ कर देता हूँ, चाहे ये चाहिए कोई भी एक प्रूफ कर दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों से हो जाएगा अपना काम। ये वाला कर देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है ना, सॉरी ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया। कैसे प्रूफ करेंगे इसको अपन, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो LHS वाला आइटम है ना, लिखो यहां तक। मैं इसलिए रुक गया एकदम से क्योंकि मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ कि ये प्रूफ भी थोड़ा सा लंबा है, देख लो फिर भी समझना इधर ध्यान से। ये एंगल होता है साइन इनवर्स एक्स, तो क्यों ना इसको मैं थीटा मान लूं, इसको थीटा मान लेते हैं। थोड़ी सी नजर आपकी सामने होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा मान लिया, धनंजय बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो यार तुम, दिक्कत हो रही है क्या? ओके ये आपके NCERT में बकायदा आपसे पूछा जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में एकदम, मतलब क्या बोलूं मैं, गजब के क्वेश्चन आते हैं इससे, पूरा बोर्ड लेवल का है। तो ये मत सोचना कि इसको भी अपन, जो मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे PCMB वाले, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो एक्स, पहली बात तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है। अब आज के बाद से जब भी मैं साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या टैन इनवर्स एक्स इनको थीटा मानूंगा, तो मेरे को हमेशा एक आदत बनानी पड़ेगी कि थीटा का रेंज लिख दें। बताओ साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2, यही होता है ना। तो थीटा उसके बराबर है, तो थीटा का रेंज भी क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2। ये लिखने की आप एक हैबिट डाल लें। ठीक है, लिख लो, अच्छी आदत होती है ये चीज। ठीक है, दूसरी बात आप यहां से क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लूं, मतलब LHS में 1/x और RHS में 1/sin थीटा। 1/sin थीटा तो हमको पता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ कोसेक इनवर्स ले लेंगे। टेक कोसेक इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अपन कोसेक इनवर्स ले लेते। तो LHS का कोसेक इनवर्स क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, और RHS का कोसेक इनवर्स क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। इज दैट ओके? तो ये जो RHS वाला कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा है, इसका ग्राफ अपने को आता है क्या, आता है सब कुछ, सबको आता है इसका ग्राफ, बताइए। बिल्कुल आता है, कैसी बात कर रहे हो, दिस इज, इसका ग्राफ सेम आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जैसा, मतलब माउंटेनियस ग्राफ आएगा। माउंटेनियस ग्राफ मतलब एकदम ऐसा वाला ग्राफ आएगा, क्या यार रुको, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, बिल्कुल आएगा। और सारे पॉइंट्स अपने को याद होने चाहिए, ये वाला पॉइंट क्या होता है, -π/2, ये वाला पॉइंट होता है +π/2, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, हॉलो सर्कल हो जाएगा कोजेक में। ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता अपने को, बट हो जाएगा हॉलो सर्कल, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू x। अभी सुनो, सुनो मेरी बात, ये जो इनपुट है, इनपुट इनपुट कहाँ से कहाँ के बीच में, -90 से +90 के बीच में। तो इनपुट अगर -90 से +90 के बीच में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इनपुट है, तो कौन सी ब्रांच फॉलो होगी, y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x मतलब क्या होता है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट।
इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, मतलब इसका ये हो जाएगा कि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू थीटा. क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो ऑलरेडी सेफ जोन में, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, तो इसका आंसर थीटा आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स के बराबर. ठीक है, और थीटा क्या था? थीटा था साइन इनवर्स एक्स, तो आ गया अपना आंसर. हेंस प्रूव्ड कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अब देख रहे हो ये ग्राफ की जरूरत कैसे पड़ी अपने को. ग्राफ याद रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये सारे हॉलो पॉइंट्स होंगे. क्यों? क्योंकि ये एन पाईज है, एन पाई पे कोसेक थीटा डिफाइंड नहीं होता है. कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा का ग्राफ बना दिया मैंने ये वाला. हेंस प्रूफ्ड. क्या सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? नहीं, बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा. लेकिन अगर नहीं पूछा जाएगा तो प्रूफ क्यों देख रहे हैं अपन? प्रूफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ से आया है, और इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये यूज तो होता है. सेकेंड देखते हैं अपन, सेक इनवर्स ऑफ, क्या बोला मैंने आपको, सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. ठीक है, समझिएगा ध्यान से. क्या करेंगे अपन, पहले इसको थीटा बोल देते हैं. और हमेशा क्या हैबिट होती है, जब भी आप थीटा बोलो तो थीटा की रेंज लिखो. ये हैबिट आपकी आज से फिक्स हो जानी चाहिए. इसको थीटा बोला तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थीटा का रेंज लिखो. सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 to π - π/2 होता है. राइट, भूल गए रेंज? भूल गए तो मेरी गलती नहीं है भाई, इसको अच्छे से याद रखो. मैं थोड़ी आऊंगा एग्जाम में याद दिलाने. सेकंड क्वाड्रेंट की फैमिली है, 0 to π आएगा या अगर बीच वाला पॉइंट हटाना होता है. अपन ने ट्रिक देखा है इसका. अच्छा, सेकंड वर्स एक्स की रेंज हो गई थीटा. बढ़िया है, अच्छी बात है. तो आप क्या एक्स को आप सेक थीटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो. क्या आप दोनों तरफ सेकंड वर्स लेना चाहोगे? क्यों नहीं, तो टेक सेकंड वर्स ऑन कॉज इनवर्स. क्या लाना है मेरे को? 1 बाय एक्स लाना है ना. चलो पहले 1 बाय एक्स लाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ. 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेक कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एलएचएस आ जाएगा ये, और कॉस इनवर्स ऑफ आरएचएस ये आ जाएगा. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अब सुनो मेरी बात, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ भी याद है मुझे. मतलब कितनी सही बात है, आपको ग्राफ याद होने चाहिए तो कितना मजा आ जाएगा. देखो माउंटेनियस ग्राफ होता है ये भी, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर, और सारे जो इसकी वैलीज होती है, ये जो वर्टेक्स होती है, सारे 2π 4π होते हैं, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं. हाँ जी, तो अगर y इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, समझ लेते हैं ये पॉइंट जीरो है. अगर थीटा 0 से π के बीच में हुआ, 0 से π के बीच में हुआ, तो यहां पर आता है पाई. 0 से π के बीच में हुआ तो ये वाली ब्रांच फॉलो करेगा, और ये वाली ब्रांच क्या कहती है, y इज इक्वल टू x, मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब थीटा इज इक्वल टू इनपुट, और वही हो जाएगा आउटपुट, और RHS हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. नहीं आया समझ में? आ गया, थीटा होता क्या था? सेक इनवर्स x ना, बस. हेंस प्रूव्ड cos inverse of 1 by x is equal to sec inverse of x. You can also prove it other way around. ठीक है, थर्ड वाला प्रूफ भी देख लेते हैं और फिर उसका ट्रिक बताऊंगा मैं आपको. देखो इधर प्लीज, सामने देखिए. थर्ड वाला क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ना गजब का कंफ्यूजन होता है लोगों को, गजब का. पहले ना इसका प्रूफ देख लेते हैं फिर कंफ्यूजन की बात करेंगे. तो ये cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x, ये ट्राई करते हैं थर्ड वाला.
तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x. ये प्रूव करने चलो जो भी थर्ड वाला और ये होता पाई प्लस टैन इनवर्स x. यहाँ पर x पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, x नेगेटिव है तो ऐसा सोचना पड़ेगा. अब सोचते हैं इसको थीटा बोल देता हूँ फिर आगे सोचेंगे. तो कॉट इनवर्स x को मैंने क्या बोल दिया थीटा, तो ये x हो जाएगा कॉट थीटा. लेकिन मेरी हैबिट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं. क्या हैबिट होनी चाहिए कि थीटा जो है उसका रेंज लिख डालो. कॉट इनवर्स x की रेंज क्या होती है 0 टू पाई, तो वही रेंज हो जाएगी थीटा की 0 टू पाई ओपन. थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. और अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 बाय x इज इक्वल टू tan थीटा, फिर टेक tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेक tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RHS. आप लोग प्रूफ पे ज्यादा लोड मत देना, बस समझ लो है ना, एक स्टोरी की तरह. याद नहीं रखना है तो याद नहीं रखना है तो जल्दी समझ में आता है. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का ग्राफ आता है सर आपको? देखो यार सर को तो आता है, आपको भी आना चाहिए. ऐसा ग्राफ होता है ठीक है. ये होता है y इज इक्वल टू x, कब से कब तक, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में ऐसा होता है. तो अपना इनपुट क्या है 0 टू पाई के बीच में. ओ यहाँ पे दिक्कत जाती है. ये होता है पॉइंट पाई ठीक है, ये होता है 0. समझना अब ध्यान से इसको क्या चल रहा है यहाँ पे. आपको इनपुट जो दिया जा रहा है वो ये देना है आपको 0 टू पाई. ये इनपुट देना 0 टू पाई. ठीक है, और अगर ये इनपुट देना है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो दो आउटपुट मिल सकते हैं. एक ये वाला आउटपुट मिल सकता है और एक ये वाला आउटपुट मिल सकता है. इसीलिए इसके दो दो आंसर आते हैं. आ रही है बात समझ में? ये वाला आउटपुट क्या है y is equal to x सिंपली. एंड व्हाट इज दिस आउटपुट, y is equal to x minus pi. नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है. तो यहां से ना दो बात हो जाएगी. केस वन क्या है कि अगर आपका जो इनपुट है थीटा अगर वो 0 टू 90 डिग्री फॉल करता है, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्री, अगर ऐसा हुआ तो कौन सी ब्रांच फॉलो होगी बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. तो इस केस में क्या हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. यहां पर क्या हो जाएगा, जो इनपुट है थीटा वही बन जाएगा आउटपुट. So this will be equal to theta, very easy. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse of x. दूसरी बात, केस नंबर टू, अगर आपका इनपुट यहां से यहां हुआ तब तो अपन ने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके आगे का इनपुट अगर हुआ पाई बाय टू से लेकर पाई, तो क्या करेंगे. तो इफ theta belongs to पाई बाय टू टू पाई, उस केस में ये वाली ब्रांच फॉलो होगी x माइनस पाई, मतलब इनपुट माइनस पाई. तो ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या बन जाएगा वो लिखना है अपने को. एकदम आखिरी चीज बता रहा हूँ, चिंता मत करो, इसका शानदार ट्रिक बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा ठीक है, आई प्रॉमिस. अगर सुन रहे हो ढंग से तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो ये थीटा इनपुट है ना, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा इनपुट माइनस पाई. इसको हम क्या लिखेंगे, इनपुट माइनस पाई, पाई को उस तरफ पहुंचा दो, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by x is equal to theta. और थीटा क्या माना था स्टार्टिंग में अपन ने, थीटा वॉज cot inverse of x. तो cot inverse of x आ जाएगा थीटा. Hence proved. अभी सुनो इधर है ना, यहां पर थीटा के बारे में तो मैंने लिख दिया है पाई बाई टू टू पाई, लेकिन इस थीटा के करस्पॉन्डिंग x क्या आएगा वो लिखना बाकी है. लिख देता हूँ, दो मिनट लगेगा. अगर थीटा 90 से 180 है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, तो व्हाट इज x, x है cot थीटा, x इज cot थीटा राइट,
तो आपका एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह मैं थीटा की जगह क्या लिखना चाह रहा हूँ, थीटा की जगह लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स। 2 मिनट और समझ लो, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। थीटा की जगह लिख दिया कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू पाई, ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कॉट को उधर भेज दो, कॉट ऑफ पाई बाई टू, ऑफकोर्स ओपन ब्रैकेट है तो अपना आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉट ऑफ पाई। क्या आपको पता है कि कॉट ऑफ पाई बाई टू क्या होता है? कॉट 90 डिग्री, मतलब 90 से जस्ट बड़ा एंगल। कॉट ऑफ 90 डिग्री होता है जीरो। ये कॉट का ग्राफ बनाया मैंने, कॉट का ग्राफ बनाया है, किसका ग्राफ बनाया है, कॉट वाई इक्वल टू कॉट एक्स का। ये 90 होता है और ये होता है पाई, पाई पे होता है माइनस इन्फिनिटी, तो पाई पे आएगा माइनस इन्फिनिटी और पाई बाई टू पे आएगा जीरो। माइनस इन्फिनिटी पहले लिख दिया, जीरो बाद में, समझ आ रहा? तो जब एक्स नेगेटिव है तो ये वाली ब्रांच बन रही है। अब सोच रहे हो इसका प्रूफ जो है वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है भाई, और मैं आपको सच बता रहा हूँ ये प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में ये थ्योरम भले ही आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, बट इसका प्रूफ नहीं आएगा, और प्रूफ गिवन भी नहीं है बुक्स में, बिकॉज उनको लगता है कि इतना मुश्किल समझाने से बेहतर है दो ही मत, ठीक है, और देंगे भी तो शॉर्ट में दे देंगे वो लोग। मेरे को नहीं पता आजकल के एडिशन में, हो सकता है आ गया हूँ, बट नहीं हुआ करता था। लेकिन चलो प्रूफ देख लिया अपन ने, काम की बात, काम की बात ये है, क्वेश्चंस लिखे जल्दी जल्दी। साइन इनवर्स ऑफ हाफ लिखता हूँ अगर मैं, तो इसको मैं कोजेक इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकता हूँ? बड़ा आसान है, साइन इनवर्स में तो टेंशन ही नहीं लेना है, आपने इसको रेसिप्रोकल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, अगर मैं आपको देता हूँ कॉज इनवर्स ऑफ लेट्स से 1/3, तो इसको आप सेक इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हो? सेक इनवर्स के टर्म में आप इसको लिख सकते हो 3, वेरी इजी, उल्टा ही करना है बस। समझ में आ रहा है ना? अच्छा थोड़ा और देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ अगर मैं आपको दे देता हूँ 1/16, तो आप इसको कोजेक इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हो? कोजेक इनवर्स में आप इसको 16 लिख सकते हो। थोड़ा और उल्टा करते हैं इसको अपन, अगर मैं आपको सेक इनवर्स ऑफ 20 दे देता हूँ, बिल्कुल डोमेन में आप चिंता मत करो, है ना, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसको आप कॉज इनवर्स में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? ये 20 का उल्टा कर दोगे। तो कितना आसान है यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स में, दिक्कत कहाँ आती पता है? दिक्कत यहाँ पर आती है, टैन इनवर्स ऑफ टू, लेट अस से टैन इनवर्स ऑफ टू है, क्या इसको आप कॉट इनवर्स में लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, ट्राई करते हैं, करो ट्राई। और अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए टैन इनवर्स ऑफ -2, क्या इसको आप कॉट इनवर्स में लिख पाओगे? तो मैंने आपको थोड़ा डरा दिया क्या? चलो यहाँ कॉट इनवर्स कर देता हूँ। अरे चिंता मत करो, ये वाला क्वेश्चन पहले करो फिर ये वाला करो, 7th एंड देन 8th। तो 7th क्वेश्चन में अब उल्टा कर दिया मैंने, टैन इनवर्स ऑफ लेट से 3 और टैन इनवर्स ऑफ -3, इसको अपन कॉट इनवर्स के टर्म में कैसे लिख सकते? बस ये दो चीज बता के मैं आपका लेक्चर आज खत्म करने वाला हूँ। इसको मैं कहता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से बिना सोचे सॉल्व करना, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक, एक्सेलेंट ट्रिक है, एक्सेलेंट। क्या करना होता है? पहली बात आपको क्या सिखाया गया है, इधर देखो, आपको ये सिखाया गया है कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को अगर आप टैन इनवर्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो सिंपली उल्टा कर दो, जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी कर दो। लेकिन यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, जैसा ऊपर कर रहे थे वैसा यहाँ भी कर दो। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर आपको पाई जोड़ना पड़ता है ना, कॉट इनवर्स वाले में पाई जोड़ना पड़ता है। कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर यहाँ पे मैं टैन इनवर्स एक्स की जगह, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स की जगह टैन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ तो उसको कॉट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, एक्स पॉजिटिव हुआ तो आप डायरेक्टली 1/x लिख दोगे, और अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो आप क्या करोगे? तो आप उसको कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है -π। मैं आपके सामने, सुनो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, 5 मिनट का पेशेंस रख लो, आपका बहुत बड़ा क्वेरी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर अगर एक्स पॉजिटिव है इन दोनों केसेस में, चाहे वो पहले अपन ने कॉट इनवर्स लिखा हो या पहले टैन इनवर्स लिखा हो, आपको करना कुछ भी नहीं है, उसका उल्टा कर देना है अंदर, ठीक है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन इनवर्स कॉट इनवर्स लिखा और ये एक्स का उल्टा यहाँ अंदर लिख दिया 1/x। अगर एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आप उल्टा लिख सकते हो, दोनों में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक्स नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे +π हो रहा है जब कॉट इनवर्स में अपन चेंजेस कर रहे हैं, और जब टैन इनवर्स में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ -π हो रहा है,
ये ना याद नहीं रहता लोगों को, तो इसको समझने का एक आसान ट्रिक बताता हूँ मैं आपको. द ट्रिक इज ऑलवेज एड पाई ऑन टैन इनवर्स का साइड. टैन इनवर्स को जो साइड है ना, हमेशा उसमें पाई जोड़ दिया करो. कब? जब अंदर वाला इनपुट नेगेटिव है. तो वो लिखवा दूंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ. यहाँ देखो इधर प्लीज, चार क्वेश्चन देख लो, एकदम जीवन सवर जाएगा. यहाँ क्या लिखा है? टू. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली 1/2 लिखा और खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ. यहाँ क्या है? -2. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अरे यहाँ टैन इनवर्स आएगा, पहली बात तो माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पे टैन इनवर्स नहीं लिखा, कॉट इनवर्स है ना. आप इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो. हाँ जी, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव 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 है, तो क्या आप इसका रेसिप्रोकल करोगे? हाँ करेंगे, लेकिन 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 आप यहाँ पे पाई भी ऐड करना चाहोगे. तो पाई किधर ऐड करें, किधर सब्ट्रैक्ट करें, ये कन्फ्यूजन होता है लोगों को, है ना. दोनों फॉर्मूले बताए जाते हैं, दोनों फॉर्मूले बताए जाते हैं. मैंने भी आपको दोनों फॉर्मूले ही बता दिए, बट एक में पाई ऐड हुआ है, एक में पाई सब्ट्रैक्ट हुआ है. तो आप क्या करो, कुछ मत सोचो, आप हमेशा पाई को ऐड करो टैन इनवर्स की तरफ. क्या करो, टैन इनवर्स कहां पर है? आरएचएस में है. जहां टैन इनवर्स दिख रहा है वहां पे पाई ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया, खत्म. इधर देखो, टैन इनवर्स 3 को आप पहली बात तो कॉट इनवर्स में लिखना चाहते हो. ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली 1/3 लिखने का छोड़ दो, खत्म खत्म, आ गया आंसर. पॉजिटिव है नेगेटिव है? अभी अभी नेगेटिव है, तो अभी टेंशन लेना है क्या? हाँ बिल्कुल लेना है. तो अपन अब क्या, इसको पहले 1/-3 लिखेंगे, लेकिन अब आपको पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाला याद रहना चाहिए. फॉर्मूला देख के तो आप आराम से बता दोगे माइनस पाई होना चाहिए, बट मेरा ट्रिक ये कहता है कि आप कुछ मत सोचो. टैन इनवर्स किधर है? एलएचएस आरएचएस, वेर इज टैन इनवर्स? एलएचएस में. एलएचएस में तो आप क्या करो, एलएचएस में पाई ऐड कर दो, बस खत्म खत्म. बेसिकली यहाँ पे पाई ऐड करा अपन ने, तो ऑब्वियसली इधर आके वो सब्ट्रैक्ट होगा. तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? कॉट इनवर्स 1/-3 माइनस पाई, है ना. तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए टैन इनवर्स ऑफ -3 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स ऑफ 1/-3 माइनस पाई लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. एक क्वेश्चन और दूंगा मैं ना, क्योंकि थोड़ा शांति मिलेगी एक क्वेश्चन और करने से. देखो कॉट इनवर्स ऑफ, मैं आपके सामने अगर लिख देता हूँ 4, तो इसको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो. टेंथ कॉट इनवर्स ऑफ -4, इसको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके बताओ. 11th क्वेश्चन है, अब मैं टेन इनवर्स के अंदर 4 डाल रहा हूँ, अब उसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो. 12th फिर से यहाँ पे टेन इनवर्स में 4 -4 डाल रहा हूँ, इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करके बताओ. चारों क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहे हैं, मतलब आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई आज. ट्राई करते हैं ना. देखो क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखा है तो पॉजिटिव है, कोई टेंशन ही नहीं है, 1/4 लिख के आगे बढ़ जाओ. यहाँ नेगेटिव है तो बिल्कुल टेंशन आएगा. अब क्या करना चाहिए, पहली बात तो आप, हाँ 1/-4 लिखो, बिल्कुल लिखो, टेन इनवर्स ऑफ 1/-4 लिखो, लेकिन आपको यहाँ पे पाई ऐड करना चाहिए. कहाँ पे ऐड करते? हमेशा टैन इनवर्स की तरफ, टैन इनवर्स आरएचएस में, तो आरएचएस में पाई ऐड करेंगे. इज दैट ओके? खत्म, आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है. इधर देखिए 4 यहाँ पे टैन इनवर्स पर है और वो पॉजिटिव है. पॉजिटिव है अगर, तो आप आंख बंद करके इसको 1/4 लिख दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है. यहाँ -4 है तो टेंशन आता है, कोई बात नहीं, पहले रेसिप्रोकल कर लो. और टैन इनवर्स किधर है? एलएचएस आरएचएस, एलएचएस, तो आप है ना एलएचएस पे पाई ऐड करोगे, तो बेसिकली आरएचएस पे सब्ट्रैक्ट करोगे. समझ में आ गया ना, एलएचएस पे ऐड करना, तो आरएचएस पे सब्ट्रैक्ट करना, तो आप बस टैन इनवर्स की तरफ ऐड कर दो. इज दैट ओके? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हो चुका है अपना, 4, 5, 6 अपनी कल खत्म हो जाएगी, तो अपना मोस्ट ऑफ द चैप्टर कल खत्म हो जाना चाहिए. 6 और 7 भी खत्म हो जाएगी और 8 प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी कल ही. फिर अपन सिंप्लीफिकेशन और लास्ट के कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स देखेंगे. कल का लेक्चर जो है वो मेजरली अपना मेजर पोर्शंस जो है खत्म हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कल ही खत्म हो जाएगा. अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो फील वेरी लकी, मैं सच बता रहा हूँ. यहाँ पर स्टूडेंट एकदम रोने लग जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, सिंपल तरीका, बहुत टाइम बाद निकला था मुझसे भी ये. मैं भी पहले प्लस पाई माइनस पाई सोचता था, फिर बाद में समझ में आया कि अरे टैन इनवर्स में तो जोड़ना है, तो आप टैन इनवर्स में जोड़िए. ठीक है, तो ये जितनी भी ट्रिक्स होगी इन सब के वीडियोस आएंगे आपके पास शॉर्ट शॉर्ट, है ना, तो उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा.
मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी, यार आरडी शर्मा किधर गई, आरडी शर्मा से ही होमवर्क करना चाहिए हम, और एक और होमवर्क हमें मॉड्यूल से करना चाहिए, तो मॉड्यूल से आप कर सकते हो, थोड़ा वेट करें, वो मॉड्यूल अभी अपन उठा नहीं सकते हैं। एक काम करो, जस्ट वेट, फिनिश करे आरडी शर्मा, मेरे पास आरडी शर्मा बुक है, लेकिन मिल गई मिल गई, 2 मिनट रुक सकते हो तो रुक लो, सुन लो होमवर्क। हाँ भाई, तो 4.7 तो अपन ने कर लिया होगा पूरा, करा होगा तो बहुत मजा आया होगा आपको, है ना। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 4 पॉइंट, लिखो एक्सरसाइज 4.1, ये आपका कल का होमवर्क है, सुन के लगेगा कि बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, बट इतना ज्यादा होमवर्क नहीं है। वैसे तो कॉट इनवर्स 4 इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, कॉट इनवर्स का डोमेन, कॉट इनवर्स के अंदर तो कुछ भी डालो, कद्दू डाल दो, लौकी डाल दो, समझ रहे हो, कचरा डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब ले लेता है भाई, ऑल रियल नंबर कॉट इनवर्स का ये होता है ना, आउटपुट इसका नहीं आ सकता इतना, है ना। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, 4.2 करेंगे, करोगे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, और जो आपकी आपका लेवल जो स्ट्रांग होगा ना ITF में, वो आरडी शर्मा ही करा सकती है। ITF और डिटरमिनेंट्स, ऐसे दो चैप्टर है ना जो आरडी शर्मा से ही स्ट्रांग हो सकते हैं, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्राइसिस वाला डिटरमिनेंट, वो मैं दूंगा आपको करने के लिए सॉल्व। 4.4, ये सब बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है, आप चिंता मत करो कि आपको मैं बहुत मुश्किल होमवर्क दे रहा हूँ, आप बस खोलो एक्सरसाइज और आपसे सारे एक्सरसाइज 15 मिनट में हो जाएंगे, या फिर हार्ड टू हार्ड आपको 20 मिनट लगेगा। सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू, 4.1 से लेके 4.6 तक एक दिन में, दिस इज क्रेजी, लेकिन आपका हो जाएगा, ट्रस्ट मी विदाउट एनी थेरी एंड ऑल। एंड देन 4.7 अपन पहले ही कर चुके हैं, है ना, तो 4.8 अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आप इतना सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो उसको मार्क करके रखो, कल क्लास के स्टार्टिंग में मेरे से डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, 4.6 तक पूरा सॉल्व करो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।